हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ शिवसिंह भाटी। आज का टॉपिक है हमारा पेल्विक बोन। पेल्विक बोन जिसको हम हिप बोन भी कहते हैं, तो जिसके कितने पार्ट होते हैं और किस पोर्ट जो पार्ट होता है, जैसे कि इलिया क्रिस्ट क्या है, इलिया फोसा क्या है, या जो एंटीरियर सुपीरियर इलिया स्पाइन होते हैं, जो सुपीरियर इंफीरियर इलिया स्पाइन होते हैं, या ग्रेटर सियाटिक नोच क्या है, लेसर सियाटिक नोच क्या है, एसियल स्पाइन क्या है, जो जीरो स्टेशन होता है लेबर का, वो एंगेजमेंट कब होता है, या फिर जो सिटिंग पोर्शन होता है, तो वो कौन से बोन को कहते हैं, सिटिंग बोन वगैरह। तो आज हम पढ़ेंगे बोन के बारे में, जिसका नाम है पेल्विक बोन। और उसके साथ साथ में एक होता है नोडिंग प्रोसेस, कर ऑफ कैरस, ये सेक्रल प्रमोटरी या कौन कौन से पार्ट होते हैं पेल्विक बोन के अंदर। तो आज का हमारा टॉपिक है पेल्विक बोन। पेल्विक बोन को हिप बोन भी कहते हैं। पेल्विक बोन को क्या कहते हैं, हिप बोन। और ये काउंटिंग में होती है दो, एक होती है लोअर एक्सट्रीमिटीज में दो पार्ट होते हैं, ठीक है। एक तो होती है हिप बोन और एक होता है लोअर लिम। हिप बोन और लोअर लिम, ये टोटल होती है 62। इसमें दो दो हिप बोन होगी और जो लोअर लिम है वो कितनी हो जाएगी हमारे, 60। तो आज हमारा टॉपिक क्या है, हिप बोन के बारे में, ठीक है। कि हिप बोन है क्या, अगर हम डायग्राम से देखें तो इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से है। कुछ इस तरीके से इसका डायग्राम बनता है, ये होती है हमारी हिप बोन, ठीक है। हिप बोन की अगर हम बात करें, ठीक है, ये होती है हिप बोन। हिप बोन में अगर होगा क्या, हिप बोन में दो होते हैं, एक ये इसके अंदर, एक होता है पेल्विक गर्डल और एक होता है पेल्विक स्पाइन। पेल्विक गर्डल और पेल्विक स्पाइन, ये दो पार्ट मिलके हिप बोन का फॉर्मेशन करते हैं। हिप जो गर्डल बनाएंगे, पूरा ये पार्ट बनाएंगे, जो पीछे वाले पार्ट है इसे कहते हैं सेक्रम और कॉक्सिक्स, जो वर्टिब्रा के पार्ट है, सेक्रम और कॉक्सिक्स जो वर्टिब्रा के पार्ट है, ये भी इसमें हेल्प करते हैं। और दूसरा होता है पेल्विक गर्डल। पेल्विक गर्डल के अंदर होती है दो इनडोमिनेट बोन होती है इसके अंदर, साइड वाली और पीछे वाला पेल्विक गर्डल, यानी टोटल ये आपस में मिलके जो ये पार्ट बनेंगे उसे कहते हैं पेल्विक बोन। तो आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में, इन सबके बारे में। सबसे पहले कौन कौन सी बोन है, तो ये बोन होती है सैक्रम, सीरियल वाइज जो पीछे की तरफ ऊपर की तरफ होती है, ये होती है सैक्रम, और ये नीचे की तरफ ऐसे कहते हैं कॉक्सिक्स। सैक्रम और कॉक्सिक्स, जो ये बोन होती है इसे कहते हैं इनडोमिनेट बोन। इनडोमिनेट बोन, सैक्रम, कॉक्सिक्स और इनडोमिनेट बोन। इनडोमिनेट एक ये और एक ये, दो दो और दो चार, तो हमारी कितनी होगी बोन की काउंटिंग, कितनी है टोटल चार, और कितनी टाइप की, तीन टाइप की, दो इनडोमिनेट बोन,
कॉक्सिक बोन और सैक्रम बोन, दो पार्ट होते हैं पेल्विक बोन के, पेल्विक गर्डल और पेल्विक स्पाइन। तो पेल्विक स्पाइन के अंदर सैक्रम और कॉक्सिक्स आ गया, और जो इनोमिनेट बोन है ये दो हो गई। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम इनोमिनेट बोन के कितने पार्ट होते हैं। इनोमिनेट बोन के अगर पार्ट की बात करें तो इसका एक और डायग्राम और बनता है। इस टाइप का अगर ये सिंगल बोन ले तो कुछ इस तरीके से होगी इसकी, सिंगल बोन ले तो इस तरीके से, अगर टोटल ऐसे मिले तो ये कुछ इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बनता है। जो इनोमिनेट बोन होती है, तो ये ऊपर वाला जो पार्ट होता है, इनोमिनेट बोन के तीन पार्ट होते हैं, इलियम, इसियम और प्यूबिस। सबसे ऊपर वाला इलियम, सबसे ऊपर वाला, ठीक है, और जो बीच वाला होता है इससे कहते हैं इसियम, जो पीछे वाला हिस्सा है, इलियम इसियम, जो आगे वाला फ्रंट पार्ट होता है उसे कहते हैं प्यूबिस। इनोमिनेट बोन के कितने पार्ट हो गए, इलियम इसियम और प्यूबिस, तीन पार्ट हो गए। अब हम सिंगल वाइज पढ़ेंगे इलियम के अंदर क्या है, इसियम के अंदर क्या है और प्यूबिस के अंदर। तो इलियम का वो हिस्सा जो सबसे ऊपर होता है कॉर्नर में, इसे कहते हैं इलियाक क्रिस्ट, इलियाक इलियाक क्रिस्ट, जहां पर हैंड रेस्ट करता है कमर में, तो उस पोर्शन का जो ये नुकीला पार्ट है इसे कहते हैं इलियाक क्रिस्ट। अगर हम किडनी की अगर स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे तो इससे पता करते हैं T12 और ये इलियाक क्रिस्ट, इसके पीछे पीछे की तरफ अगर हम जाए तो सॉस मसल के पास में फ्लैंज रीजन में सैक्रल रीजन के अंदर किडनी होती है, उसको सैक्रल रीजन भी कहते हैं और फ्लैंक रीजन भी, और सॉस मसल होती है वहां पर होते हैं किडनी। तो हम किडनी को असेसमेंट करने के लिए या IM इंजेक्शन देना है ग्लूटियस मसल के अंदर, तो अभी ग्लूटियस प्रैक्टिस में हम इसका यूज कर सकते हैं इलियम का, इलियाक क्रिस्ट का। उस ऊपर वाला पार्ट कौन सा है, इलियाक क्रिस्ट, और जो ये होलो लाइक स्ट्रक्चर बनती है जो खोखला पार्ट होता है अंदर की तरफ, ये इसे कहते हैं इलियाक फोसा, इलियाक, जो ये होलो लाइक स्ट्रक्चर बनती है अंदर की तरफ जो रफ स्पेस बनाता है, जो इसे कहते हैं इलियाक फोसा। उसके बाद में ये जो आगे की तरफ कुछ उभरे हुए पार्ट होते हैं इलियक के अंदर, इसे कहते हैं स्पाइन, उभरे हुए पार्ट को क्या कहते हैं, स्पाइन। तो आगे की तरफ है तो एंटीरियर, जो पोर्शन आगे की तरफ होता है उसे एंटीरियर, ऊपर की तरफ है तो सुपीरियर, एंटीरियर सुपीरियर, और ये कैसे इलियाक बोन पे है तो इलियाक, और उभरे हुए पार्ट को क्या कहते हैं, स्पाइन। एंटीरियर सुपीरियर इलियाक स्पाइन, जो ऊपर की तरफ यहां से होगा इधर देखे तो ये तो हो गया सुपीरियर, और इसके नीचे वाला इंफीरियर, तो नीचे वाले कह देंगे एंटीरियर इंफीरियर, सेम हो गया एंटीरियर सुपीरियर इलियाक स्पाइन, और नीचे वाले पोर्शन कहेंगे एंटीरियर इंफीरियर इलियाक स्पाइन। और टोटल स्पाइन कितने होते हैं पेल्विक बोन के अंदर, चार, दो तो आगे की तरफ, इसी तरह पीछे की बोन में, यानी अगर स्ट्रक्चर को इस तरीके से है, अगर इसको स्ट्रक्चर को हम घुमाए थोड़ा राउंड करें तो जिस तरह ये आगे की तरफ स्पाइन होते हैं इसी तरह पीछे भी स्पाइन होते हैं, तो उसका क्या होगा, पोस्टीरियर सुपीरियर और पोस्टीरियर इंफीरियर इलियाक स्पाइन, आगे वाले को एंटीरियर सुपीरियर इलियाक स्पाइन और एंटीरियर इंफीरियर इलियाक स्पाइन। ये नोच पता करने में हम यूज करते हैं इसका, कि नोच जो ग्रेटेस्ट सीएटिक नोच है या लेसर सीएटिक नोच, तो हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। तो पहले हमें कंफर्म करना है कि जो आगे वाले पोर्शन होते हैं उसे कहते हैं एंटीरियर, पीछे वाले को पोस्टीरियर, जो ऊपर होता है उसे सुपीरियर, नीचे वाले स्पाइन को इंफीरियर। तो आगे वाले को एंटीरियर सुपीरियर इलियाक स्पाइन और नीचे वाला एंटीरियर इंफीरियर इलियाक स्पाइन, पीछे पोस्टीरियर सुपीरियर इलियाक स्पाइन, पोस्टीरियर इंफीरियर इलियाक स्पाइन। तो इलियाक बोन के अंदर ऊपर वाला पोर्शन इलियाक क्रिस्ट कहलाता है, जो स्पाइन है दो आगे की तरफ और दो पीछे की तरफ, जो होलो लाइक स्ट्रक्चर बनती है उसे कहते हैं इलियाक फोसा। और यहां ये आपस में जॉइंट बनाता है सैक्रम, जो सैक्रम बोन होती है ये इलिया के साथ में जॉइंट बनेगी, उसे कहते हैं सैक्रो इलियाक जॉइंट, सैक्रो इलियाक
सैक्रो इलियक जॉइंट, सैक्रम इससे जॉइंट बनेगी और ये सबसे बॉडी का स्ट्रॉन्गेस्ट जॉइंट होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट सैक्रो इलियक जॉइंट। ठीक है, जॉइंट हो गया हमारा सैक्रो इलियक जॉइंट सैक्रम। तो कोकी से कितना मार्ग, इलिया क्रिस्ट सबसे ऊपर वाला पार्ट, अंदर वाला खोखला पार्ट, इलिया फोसा स्पाइन होते हैं जो आगे की तरफ दो और पीछे की तरफ भी दो, जो इलियक स्पाइन जो इलियक सैक्रम के साथ जो जॉइंट बनेंगे उसे कहते हैं सैक्रो इलियक जॉइंट, और जोड़ी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जॉइंट होता है। अब इलियम हो गया, अब आती है हमारी ईसीएम की बारी, बोन हो गया, इलियम हो गया, अब हमारा आ रहा है ईसीएम। ईसीएम की हम बात करें तो ईसीएम का सबसे नीचे वाला पार्ट जो वेट बेरिंग पार्ट होता है, जो वेट बेरिंग पार्ट को क्या कहते हैं, जो पीछे की तरफ कॉर्नर बना था इसे कहते हैं ईसीएल ट्यूबरोसिटी, ईसीएल ईसीएल ट्यूबरोसिटी, जो नीचे वाला कॉर्नर पार्ट होता है उसे कहते हैं ईसीएल ट्यूबरोसिटी। और ईसीएल ट्यूबरोसिटी अगर हम ऐसे ये पेल्विक ब्रिम बनाए यहां पर, अगर ऐसे ही बने आबासी, तो जो ये पेल्विक ब्रिम बनता है इसको क्या कहते हैं, पेल्विक ब्रिम, पेल्विक ब्रिम, पेल्विक ब्रिम जो इलियाक बोन होती है वो इलियाक बोन तो बनाती है फाल्स पेल्विस, इलियाक बोन क्या बनाती है फाल्स पेल्विस, जो ऊपर वाला पार्ट, और जो नीचे वाला होता है उसे कहते हैं ट्रू पेल्विस। पेल्विक ब्रिम के ऊपर वाला जो ये नॉर्मल जो ऊपर वाला है फाल्स पेल्विस, नीचे वाला ट्रू पेल्विस, ट्रू पेल्विस बनाते हैं ईसीएम और प्यूबिस आपस में मिलके ट्रू पेल्विस का फॉर्मेशन करते हैं, नीचे वाला पार्ट इससे ट्यूबरोसिटी और जो आपस में यहाँ पर बाइंड होते हैं और जो ये खोखले दो पार्ट बनते हैं यहाँ पर फोरामेन बन जाते हैं उसे कहते हैं ऑब्टुरेटर फोरामेन, ऑब्टुरेटर फोरामेन, जहां से सियाटिक नर्व वगैरह पास आउट होती है। ईसीएम के अंदर जो यहाँ पर वेट बीरिंग पार्ट है उसे कहते हैं ईसीएल ट्यूबरोसिटी, ईसीएम और प्यूबिस आपस में मिलकर जो पोर्शन बनाते हैं उसे कहते हैं ऑब्टुरेटर फोरामेन, जहां से सियाटिक नर्व पास होती है। ईसीएल ईसीएम और प्यूबिस आपस में मिलकर जो फॉर्मेशन करते हैं वो ट्रू पेल्विस का फॉर्मेशन करते हैं ईसीएल, और जो यहाँ पर पेल्विक ब्रिम का फॉर्मेशन करते हैं तो यहाँ पर ईसीएल ट्यूबरोसिटी के पीछे की तरफ और ऊपर की तरफ यहाँ कुछ स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिस प्रकार ये इलियम के अंदर होते हैं उसी प्रकार इस यहां पर भी होते हैं, तो उसको कहते हैं ईसीएल स्पाइन, तो ईसीएम से बनेंगे उसके आगे ईसीएल है, तो ईसीएल ट्यूबरोसिटी ये भी ईसीएम में स्पाइन बनेंगे तो वो भी ईसीएल स्पाइन, जो जीरो स्टेशन होता है ईसीएल, ये जीरो स्टेशन इसके ऊपर ये जीरो कहलाएगा, इसके ऊपर है तो माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर, यहां है तो प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर, जो अगर फोरसेप डिलीवरी करते हैं उसमें भी ये मार्किंग जरूरी होती है, हमें असेस करने के लिए मार्किंग हेल्प करती है कौन सी फोरसेप यूज करनी है या फिर बच्चा कहां पर एंगेज हुआ या नहीं हुआ, तो एंगेजमेंट का पता करने के लिए भी हम इससे स्पाइन का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर ईसीएल ट्यूबरोसिटी ईसीएल स्पाइन दो पार्ट, तीसरा जो प्यूबिस बोन के साथ मिलकर ऑब्टुरेटर फोरामेन का फॉर्मेशन करता है, उसके साथ साथ में ये ईसीएम के अंदर कुछ धसा हुआ पार्ट होता है, कब सेम स्ट्रक्चर होता है उसे कहते हैं एसीटा बुलो, एसीटा कब सेम डिप्रेस पार्ट होता है उसे कहते हैं एसीटा बुलो, जहां पर फीमर का हेड आगे अटैच होता है और बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट बनाता है, एसिटाबुलम ईसीएल ट्यूबरोसिटी ईसीएल स्पाइन और आपस में मिलकर बनाते तो ऑब्टुरेटर फोरामेन और ट्रू पेल्विस, ये कौन बनाता है ईसीएम। अब आता है हमारे प्यूबिस की बात करें तो प्यूबिस के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक तो सुपीरियर रेमस और एक होता है इंफीरियर रेमस, सुपीरियर रेमस और इंफीरियर, सुपीरियर रेमस और इंफीरियर रेमस ये आपस में मिलके प्यूबिस का फॉर्मेशन करते हैं, और जो ये दो बोने आपस में मिलती है तो यहां पर जॉइंट बनता है उसे कहते हैं सिंपाइसिस प्यूबिस,
सिम्फाइसिस, सिम्फाइसिस प्यूबिस, प्यूबिस बोन आपस में मिलती है तो सिम्फाइसिस प्यूबिस, सेक्रम और इलियक आपस में मिलते हैं तो सेक्रो इलियक ज्वाइंट, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ज्वाइंट होता है। अगर सिम्फाइसिस प्यूबिस की बात करें तो ये कार्टिलेजियस ज्वाइंट होता है जो स्लाइटली मूवेबल होता है, स्लाइटली मूवेबल होता है, सिम्फाइसिस प्यूबिस होता है। ठीक है, इसका किससे बना है, सुपीरियर रेमस और इन्फीरियर रेमस। जो इन्फीरियर रेमस है ये नीचे वाला, ये एक नीचे जाके स्टेज से फॉर्मेशन करता है, उसे कहते हैं प्यूबिक आर्क, प्यूबिक आर्क, और यहां से बनते हैं एंगल, यानी 90 डिग्री से लेस है या 90 डिग्री से एबो है तो हम कहते हैं पेल्विक जो अलग अलग टाइप्स होते हैं पेल्विस के, जैसे कि गायनेकोइड पेल्विस है, एंड्रॉइड पेल्विस है, एंथ्रोपोइड पेल्विस है, प्लीटाइपेलोइड पेल्विस है, यानी मेल के अंदर अलग होता है, फीमेल के अंदर अलग पेल्विस होता है, बर्ड्स के अंदर अलग पेल्विस होता है, और जानवरों के अंदर जैसे गाय भैंस है, मंकी है, इनके अलग अलग पेल्विस होते हैं इनके अंदर। तो नॉर्मल तो ये एंगल है वो पेल्विस का डिफरेंशिएशन करने में भी यूज होता है। प्यूबिक आर्क कौन बनाता है, इन्फीरियर रेमस प्यूबिक आर्क का फॉर्मेशन करता है प्यूबिस बोन के अंदर। प्यूबिस बोन के अंदर अगर नॉर्मल कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी है, दो होती है सुपीरियर रेमस और इन्फीरियर रेमस, ये आपस में मिलके सिम्फाइसिस प्यूबिस द्वारा आपस में जुड़ी हुई होती है। यहाँ पर लिगामेंट भी होते हैं जिसे प्यूबिस लिगामेंट कहते हैं, और इनमें जो ज्वाइंट बनता है उसे कहते हैं सिम्फाइसिस प्यूबिस, ज्वाइंट बनता है उसे सिम्फाइसिस प्यूबिस कहते हैं। ये कार्टिलेजियस ज्वाइंट होता है, इनका इन्फीरियर जो रेमस होता है वो पार्ट बनाता है प्यूबिक आर्क, और यहाँ पर बनते हैं एंगल, ये 90 डिग्री से कम है या 90 डिग्री से ज्यादा है, जो पेल्विक के डिफरेंशिएशन करने में यूज होता है। ये हो गए इलियम, इसिम और प्यूबिस। अब आता है हमारा सेक्रम, सेक्रम का सबसे ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसे कहते हैं सेक्रल प्रमोटरी, सेक्रल प्रमोटरी, सेक्रम का सबसे ऊपर वाली जो बोन होती है उसे कहते हैं सेक्रल प्रमोटरी। अगर हम डायामीटर भी देखते हैं किसी का, जैसे कि ट्रू कॉन्जुगेट है, डायगोनल है, और जो भी ये डायामीटर देते हैं डायमीटर चेक करते हैं तो यहां से चेक करते हैं सेक्रल परमोटरी से सिम्फाइसिस प्यूबिस, और सिम्फाइसिस प्यूबिस के भी अपर पार्ट है, मिडिल पार्ट है या लोअर पार्ट से, जो ये हम एंटीरियर पोस्टीरियर जो डायमीटर चेक करते हैं वो भी इसी पार्ट से चेक करते हैं। तो यूज कौन होती है, सेक्रल परमोटरी, सेक्रल बोन की सबसे बड़ी बोन, सबसे ऊपर वाली बोन होती है। ये टोटल 5 बोन होती है आपस में और फ्यूज हो जाती है। फ्यूज होने पर यहां पर फोर पेयर पीस बन जाते हैं, छोटे छोटे छेद, इन छेद को कहते हैं फॉर्मिना पीस, फॉर्मिना पीस, जहां से सेक्रल नर्व पास होती है। ऑब्टुरेटर नर्व से तो सियाटिक नर्व वगैरह वेसल्स ये पास आउट होती है, सेक्रल नर्व पास होती है यहां से, सेक्रल तो सेक्रल पीस होते हैं यहां से, जो फॉर्मिना पीस बनते हैं सेक्रल बोन के अंदर, वहां से सेक्रल नर्व पास होती है सेक्रम। ये होता है कॉकिक्स, कॉकिक्स लेबर के दौरान ये लचीला होता है, लेबर के दौरान ये पीछे की तरफ चला जाता है और स्पेस प्रोवाइड करता है बच्चे की ग्रोथ के लिए या बच्चे की मूवमेंट के अंदर, तो उस प्रोसेस को कहते हैं नोडी। नोडी कौन सा प्रोसेस है, अगर बच्चा एंगेज हुआ है या बच्चा अगर पेल्विक कैविटी के अंदर है तो ये पीछे की तरफ चला जाएगा कॉकिक्स और कुछ स्पेस प्रोवाइड करेगा, तो इस प्रोसेस को कहते हैं नोडी। यहां पर सेक्रम होता है ये कॉकिक्स के साथ मिलकर जे शेप की स्ट्रक्चर बनाता है कैविटी के अंदर, जो जे शेप की स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करता है उसे कहते हैं कर्व ऑफ केरस, कर्व ऑफ केरस ज्वाइंट। और अब और रही होगी हमारे प्यूबिस, ठीक है। अभी हमने कितने बारे में पढ़ा है, सबसे पहले बोन, तीन टाइप की बोन होती है, दो तो हो गई, एक होती है इंडोमिनेट बोन, एक होती है सेक्रम और एक होती है कॉकिक्स। सेक्रम काउंटिंग में कितनी होती है, दो, तो टोटल काउंटिंग में बोन 4 है और टाइप्स में 3 टाइप की बोन होती है। अब है इलियम, सबसे पहले हम बात करें इंडोमिनेट बोन की, सिंगल इंडोमिनेट बोन करें तो सिंगल इंडोमिनेट बोन के अंदर 3 पार्ट होते हैं, इलियम,
ईशियम और प्यूबिस। सबसे पहले बात करें हम ईलियम की, तो ईलियम के अंदर हमें सिर्फ बात यह ध्यान रखनी है कि सबसे जो ऊपर वाला पार्ट होता है, जो त्रिकोण बात यहाँ पर ये सबसे ऊपर वाला कॉर्नर वाला पार्ट होता है अपेक्स वाला, इसे कहते हैं ईलिया क्रिस्ट। इसके अंदर की तरफ वो जो होलो लाइक स्ट्रक्चर बनती है उसे कहते हैं ईलिया फोसा। यहाँ पर कुछ उभरे हुए पार्ट होते हैं यहाँ पर आगे की तरफ, तो स्पाइन होते हैं। आगे की तरफ है तो एंटीरियर और ऊपर की तरफ है तो सुपीरियर। एंटीरियर सुपीरियर इलिया स्पाइन और एंटीरियर इंफीरियर इलिया स्पाइन। तो पोस्टीरियर पीछे की तरफ होते हैं, तो पोस्टीरियर सुपीरियर इलिया स्पाइन, पोस्टीरियर इंफीरियर इलिया स्पाइन। इलियाक बोन सैक्रम के साथ जो जॉइंट बनाती है उसे कहते हैं सैक्रो इलियाक जॉइंट, और बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जॉइंट होता है। ये हो गया इलियम। अब आता है हमारा इशियम। इशियम के अंदर बात अगर ध्यान करें, ये इलियम तो क्या बनाता है फर्स्ट पेल्विस ऊपर की तरफ, तो नीचे वाला होता है इशियम और प्यूबिस आपस में मिलकर ट्रू पेल्विस का फॉर्मेशन करते हैं। अब इशियम, इशियम के सबसे नीचे वाला वेट बेरिंग पार्ट होता है उसे कहते हैं इशियम ट्यूब्रोसिटी, इशियम ट्यूब्रोसिटी। और इसके अंदर कुछ डिप्रेस पार्ट होता है, धसा हुआ पार्ट कप शेप का, उसे कहते हैं एसिटाबुलम, जहां फीमर का हेड अटैच होता है और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाता है, साइनोवियल जॉइंट बनाता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हिप, जब हेड ऑफ फीमर एसिटाबुलम के साथ अटैच हो जाएगा। बॉल एंड सॉकेट किसको कहते हैं, जिसके अंदर एक तो होती है सॉकेट और उसके अंदर बॉल एक मूवमेंट करती है, तो ये एसिटाबुलम हो जाएगा और हेड ऑफ फीमर मूवमेंट करेगा, तो इसलिए कहते हैं इसको एसिटाबुलम। यहां पर साइनोवियल कैविटी और साइनोवियल फ्लूइड होगा क्योंकि ये साइनोवियल जॉइंट का एक एग्जांपल है। इसियल ट्यूब्रोसिटी सबसे वेट बेरिंग पार्ट, अंदर वाला जो ये पार्ट होता है खोखला पार्ट बनता है, दो एक इस बोन के अंदर एक दो खोखले पार्ट बनते हैं अंदर की तरफ से, इसको कहते हैं ऑब्टुलेटर फोरामेन। इसियम और प्यूबिस आपस में मिलकर इस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। इसियल ट्यूब्रोसिटी होती है इसके पीछे की तरफ और सुपीरियर, यानी पोस्टीरियर और सुपीरियर कुछ स्पाइन होते जैसे इलियाक में अंदर होते हैं, तो ये सब कहते हैं इसियल स्पाइन। जो जीरो स्टेशन होता है इंगेजमेंट, हम यहां से चेक करते हैं पेल्विक इंगेजमेंट, जो भी जो बच्चे का इंगेजमेंट होगा लेबर के अंदर हम देखते हैं, तो इंगेजमेंट होता है जो ये पेल्विक इसियल स्पाइन से ही हम चेक कर सकते हैं कि बाई पैरेंटल पार्ट इंगेज हुआ या नहीं। इसके ऊपर वाला पार्ट माइनस में और नीचे वाला पार्ट प्लस में, जो माइनस टू से ऊपर होते हैं उसके अंदर जो सेक्शन करते हैं सीजीरियल सेक्शन नॉर्मली यूज होते हैं, और जो फॉरसेप्स डिलीवरी भी हम यूज कर सकते हैं, तो उसके अंदर कौन सी फॉरसेप्स में यूज करनी है, यानी लॉन्ग कर्व की करनी है, शॉर्ट कर्व की करनी है, कौन सी यूज करनी है, उसके अंदर भी हम फॉरसेप्स के अंदर भी ये हेल्प करते हैं इसका मेजर, जिसे कहते हैं इसियल स्पाइन। अब आता है हमारा प्यूबिस। प्यूबिस के दो पार्ट होते हैं सुपीरियर एमस इंफीरियर एमस। ये स्ट्रक्चर कैसी होती है, ओर लाइक स्ट्रक्चर, ओ ए आर रेमस होते हैं, तो रोमस की स्ट्रक्चर कैसी होती है, ओर लाइक, ओर लाइक स्ट्रक्चर होती है सुपीरियर एमस और इंफीरियर एमस, ये आपस में मिलते हैं प्यूबिक बोन का फॉर्मेशन करते हैं, और जब दो बोन प्यूबिस बोन आपस में मिलती है इनुमिनेट बोन की जो प्यूबिस पार्ट होता है, जब ये दोनों आपस में मिलते हैं कहते हैं सिंपाइसिस प्यूबिस। तो टोटल जॉइंट कितने हो गए, प्यूबिस बोन आपस में मिलती है तो सिंपाइसिस प्यूबिस, सैक्रम और इलियक आपस में जुड़ते हैं तो सैक्रो इलियक जॉइंट, और सैक्रम और कॉक्सिक्स आपस में जुड़ते हैं उसे कहते हैं सैक्रो कॉक्सियल जॉइंट, सैक्रो कॉक्सियल, सैक्रो कॉक्सियल जॉइंट, सैक्रम और कॉक्सिक्स आपस में मिलते हैं तो सैक्रो कॉक्सियल जॉइंट कहते हैं। ये होता है प्यूबिस के पार्ट, और ये इशियम के साथ मिलकर ट्रू पेल्विस का फॉर्मेशन करता है। जो इन्फीरियर एमएस होता है प्यूबिस का, ये नीचे जाके एक फॉर्मेशन बनाता है उसे कहते हैं प्यूबिक अर्क, यहां पर बनते हैं एंगल जो डिफरेंशिएट करते हैं कि ये गायनेकोइड पेल्विस है या एंड्रॉइड पेल्विस है, एंथ्रोपॉइड वगैरह, यानी पेल्विस के डिफरेंशिएशन में भी ये प्यूबिक एंगल बनते हैं उसका यूज होता है। इसके नीचे आ जाता है पेरिनियम एरिया। अब हमारा आता है इशियल स्पाइन, तो इशियल इसी स्पाइन है, और एक होता है पेल्विक गर्डल, पेल्विक गर्डल के अंदर हमारी होगी इनुमिनेट बोन, उसके बाद में आती है कौन सी पेल्विक स्पाइन, तो पेल्विक स्पाइन के अंदर दो बोन आती है सैक्रम और कॉक्सिक्स, सैक्रम पांच बोन आपस में फ्यूज होके सैक्रम बनेगी, और जो सबसे ऊपर वाली होती है उसे कहते हैं सैक्रल प्रमोटरी, और जो नीचे वाले बोन आपस में फ्यूज होती है उसे कहते हैं, जहां पॉइंट बनते हैं फ्यूज होते छोटे छोटे पॉइंट बनेंगे उसे कहते हैं फॉर्मिना पीस,
फॉर्मिना पीस जहां से सेंट्रल नर्व पास होती है और ये कॉकिस के साथ में आपस में मिलके जे लाइव शेप की स्ट्रक्चर बनाता है, उसे कहते हैं कोरोना ऑफ कैरस। कोरोना ऑफ कैरस जो सैक्रम कॉकिस के साथ मिलके जे शेप की स्ट्रक्चर बनाता है कैविटी के अंदर, उसे कहते हैं कोरोना ऑफ कैरस। ठीक है, ट्रू पेलिस के तीन पार्ट होते हैं ना, इनलेट, कैविटी और आउटलेट। तो कैविटी होती है, कैविटी के अंदर ये कोरोना ऑफ कैरस बनाता है ये, और ये कॉकिस लेबर के दौरान थोड़ा पीछे की तरफ घिसक जाएगा और स्पेस प्रोवाइड करेगा। इस प्रोसेस को कहते हैं नोडिंग। कोरोना नोडिंग जेब से पिस्टल से बना था, उसे कहते हैं कोरोना ऑफ कैरस। ठीक है, इस तरीके से। और अगर हम जॉइंट की बात करें तो बोन चार, जॉइंट चार, क्योंकि दो तो सैक्रोइलियक जॉइंट, दो सैक्रोइलियक जॉइंट, एक सैक्रोकॉक्सियल जॉइंट, एक सिंपाइसिपियस। काउंट में चार, कितने टाइप के? तीन। बोन काउंट में चार, कितनी टाइप की? तीन। और इसके अलग अलग बात इस तरीके से होता है पेल्विक बोन का डिफरेंशिएशन। थैंक यू टू सी।